एक और सिंगल जॉली यो जिम खाना ऑफिशियल लिरिक वीडियो दोस्तों। सो एक और लिरिकल सॉन्ग आउट हो रहा है, पहले हुआ था अरेबी कुथू जो कि बहुत ही बेहतरीन था और आई थिंक वो 200 मिलियन के करीब करीब पहुंच चुका है वो। सो इतना ज्यादा पॉपुलर वो सॉन्ग हो चुका है, हालांकि अभी उसकी वीडियो आउट नहीं हुई है, हल्का सा डांस स्टेप ही बताया और तब भी उसका म्यूजिक इतना जबरदस्त है कि इतनी सारी रील्स बन रही है और इतना ज्यादा फेमस हो गया वो सॉन्ग, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वैसा ही कुछ, अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। यस, फिलहाल ये तो अभी जस्ट आई थिंक 2 hours पहले ही रिलीज हुआ है और ये 4 million पे जा चुका है। सो ऑब्वियसली इसका भी क्रेज बहुत ही ज्यादा है, देखते हैं सॉन्ग में क्या होने वाला है दोस्तों। बाकी शुरू करते हैं, बाकी सारे बातें बाद में करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। जॉली ओके, रिएक्शन पे कूदने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन पुश करो, खुश रहो। पहले ही इसमें रोमांटिक टाइप लग रहा है एंड लिरिकल वीडियो है, सो ज्यादा कुछ से देखने को शायद ना मिले, समय तो देखने को मिलेगा नहीं थाला पाती विजय। पर इसमें भी वो हल्की सी अच्छी बीट है, क्या बात है। उस टाइम पे भी डांस काफी अच्छा था, ये तो एकदम चिल सॉन्ग लग रहा है भाई साहब। ये स्टेप भी वायरल होने वाला है, किसी ने कमेंट करके बताया था कि डांस स्टेप्स जो है वो बड़े जबरदस्त हैं इनके, विजय के थालापति विजय। और इंग्लिश का सबटाइटल्स तो है नहीं, बढ़िया डांसर है यार, बट डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली। लिरिक्स से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि सॉन्ग किसके बारे में, लेकिन अच्छी खासी एंजॉयमेंट चल रही है बीच एरिया पे। सो अब तो बर्फ के भी सीन आ गए, अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, क्या बात है यार, इतने इजी तरीके से स्टेप्स कर रहे हैं, क्या बात है, ब्यूटिफुली डन। जिमखाना, ये सॉन्ग भी काफी, आई थिंक ये काफी इंजॉयबल सॉन्ग है, बस इसके वीडियो सॉन्ग का वेट रहेगा क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बीट भी अच्छी है। थालापति सिंगर भाई साहब खुद गए, क्या बात है यार। रिलेटेड टू जिम बट there is no gym. Yeah, it's surprising. But still. Nice. Look भी इनकी काफी जो है वो beard थोड़ी यहां से white हो चुकी है, ये looks के हिसाब से ही आई थिंक, जैसे war movie में यहां से थोड़े से white बाल दिए थे ना ऋतिक रोशन को लुक्स के मैच करने, कुछ वैसा ही आई थिंक, क्योंकि ये मूवी के उसको मैच करेगा ना स्टोरी को, लाइक कैरेक्टर को, इसलिए। सो ये फर्स्ट सिंगल है लाइक जो विजय थालापति गा रहे हैं, इससे पहले भी कुछ सॉन्ग हैं जो उन्होंने गाए हुए हैं, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। दिस स्टेप यार, और ये तो वायरल स्टेप किया था उन्होंने, ये सारे वायरल स्टेप्स हैं भाई, अब ये चलेंगे काफी दिनों तक, अब इस पे भी रील्स बनने वाली है डेफिनेटली। अरे ये कौन है, ये मुझे वाइब्स देता है जो सॉन्ग था ना शाहिद कपूर का, याद है फटा पोस्टर निकले हीरो में एक मूवी में एक सॉन्ग नहीं था, मेरे को सॉन्ग का नाम नहीं याद रहा, बट वाइब्स वैसे ही है उसी सॉन्ग के जैसे। बेहतरीन एकदम, मजा आ गया। बीस्ट, वाओ व्हाट अ सॉन्ग यार, बढ़िया। पहले जो सॉन्ग था अरेबिक कुथू उसकी बिल्कुल एक अरेबिक टाइप सी धुन थी और वैसा ही म्यूजिक था और इतना जबरदस्त और इतना पॉपुलर हुआ वो, एंड नाउ दिस सॉन्ग एकदम ऐसा टाइटल से लगता है कि ये कुछ जिम रिलेटेड सॉन्ग होगा, एंड बट इसकी जो एडिटिंग और जो वीडियो में ऐसा नजर आ रहा है वो एक बीच रिलेटेड है, बीच सी के पास वहां पे, और वैसे ही उनकी लुक है बिल्कुल एकदम
जो है वो मजा आ गया देख के। सॉन्ग दो ही स्टेप्स थे, एक जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया बहुत ज्यादा जबरदस्त था, वो फिर उन्होंने नहीं किया, फिर उसके बाद एक और जो स्टेप था मिडिल में वो दो बार लास्ट में आया एक्चुअली। जो फर्स्ट स्टेप था वो साइकिलिंग की तरह अमेजिंग है, क्या बात है। अब तो काफी फेमस होने वाले हैं स्टेप्स, जो पहले सॉन्ग जो रिलीज हुआ था रेबी को थी उसके भी स्टेप्स बहुत ही ज्यादा चले थे, इतने सारे रील्स और हर जगह पर भाई साहब वही सॉन्ग बज रहा है, एकदम चढ़ गया था एकदम। एंड जिस तरह से पहले लिरिकल सॉन्ग्स आते थे कि सिर्फ लिरिक्स आ रहे हैं और स्टिल्स चलाते थे, बट आजकल देखो यार लिरिकल सॉन्ग्स को कितना ज्यादा एनहांस कर दिया है, ज्यादा कलरफुल, जिस तरह की उसमें ग्राफिक्स हैं, जिस तरह की एडिटिंग हुई है इतनी जबरदस्त है, अब वो इतना बोरिंग नहीं रहते। पहले ज्यादा स्किल्स चलते थे खाली और सिर्फ लिरिक्स आते थे तो बंदा मतलब उसमें लाइक देखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ऐसे ऐसे लाइक हर चीज में इतनी एडवांसमेंट आ रही है कि देखो उन्होंने लिरिकल सॉन्ग्स को भी इतना ज्यादा हाई ग्लोरी, इतना ज्यादा अमेजिंग बना दिया, लाइक उसका भी वेट रहता है कि पहले लिरिकल सॉन्ग आउट होगा चलो उसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि सॉन्ग में क्या होने वाला है, कोई डांसिंग स्टेप्स में वो कैसे होने वाले हैं। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है इन्होंने और मजा आ गया एकदम देखकर, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था। बाकी और कुछ जबरदस्त है यार, मतलब और दोनों सॉन्ग की जो कोरियोग्राफी है वो की है जानी मास्टर ने, और जो म्यूजिक है बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, वो एक्चुअली डांसिंग टाइप ही सॉन्ग है लाइक देख के, बस पहले ये थोड़ा मस्ती भरा लाइक जो स्टेप्स हैं वो वैसे ही है थोड़े, समझ रहे हैं बस बिल्कुल वैसे एकदम मस्ती भरा डांस है। आई थिंक ये जब मूवी में आएगा तब भी शायद से स्टोरी को कैरी करे, कुछ मस्ती वाले मूड में हो उसी हिसाब से वो करें, मूवी का जिस तरह का टाइटल है बीस्ट बेसिकली मजा आ गया यार जॉली और जिम खाना वीडियो, ऑफिशियल वीडियो, लिरिकल वीडियो जो हमने देखी इसके रिएक्शन पे। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।